फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, आजकल राजस्थानी डांस बड़ा ही ट्रेंड में चल रहा है और करने में लगता भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ राजस्थानी डांस की कुछ आसान सी डांस स्टेप्स, जिसको आप बहुत आराम से सीख सकते हैं और किसी भी राजस्थानी सॉन्ग पर उसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, राजस्थानी डांस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ कि हमें राजस्थानी डांस किस तरीके से करना है। हमें अपनी फिंगर को ज्वाइंट करके इसे परफॉर्म करना है। फिंगर अलग नहीं होंगी हमारी, हमारी सारी फिंगर एक दूसरे से ज्वाइंट होके हम इसे करेंगे और हमारी जो कलाई है वो इस तरीके से मूव करेगी। कलाई इस तरीके से ट्विस्ट करेगी हमारी जब हम इसे परफॉर्म करेंगे। और ज्यादा लटके झटके नहीं देने हैं हमें इस डांस में। बहुत ही सिंपल सा, सोबर सा हमें डांस परफॉर्म करना है, क्योंकि राजस्थानी डांस ना बहुत ही सिंपल सोबर सा होता है। उसमें ज्यादा लटके झटके नहीं होते, ज्यादा कमर चलानी नहीं होती है, ज्यादा ग्रेस वाला डांस नहीं करना होता है। वो अपने में ही एक ग्रेसफुल डांस होता है। तो चलिए पहली स्टेप देखते हैं फ्रेंड किस तरीके से है। फ्रेंड, जो हमारी फर्स्ट स्टेप है कुछ इस तरीके से है। हमारे पैर चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। जैसे मैंने अपना राइट लेग नीचे रखा तो मेरा लेफ्ट लेग ऊपर की तरफ उठ गया, और जब मैंने लेफ्ट लेग को नीचे रखा तो मेरा राइट लेग उठ गया। इस तरीके से 1, 2, 3, 4। और जो हमारे हाथों के मूव्स रहेंगे वो कुछ इस तरीके से रहेंगे। हम अपने हाथों को इस तरीके से, फिंगर को ज्वाइंट करना है और हाथों को ऊपर की तरफ लाना है। पहले 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। इस तरीके से हमें पहले राइट की तरफ जाना है, देन फिर लेफ्ट की तरफ हमें इसे परफॉर्म करना है। किस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। बहुत ही सिंपल सी स्टेप है फ्रेंड, बहुत आसान है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ रही होगी किस तरीके से हमें करनी है। 1, 2, 3, 4, और ये पूरा हमें नीचे तक लाना है दोनों तरफ। पहले हम राइट की तरफ जाएंगे फिर हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जो हमारी सेकंड स्टेप है वो कुछ इस तरीके से है। पैर हमारे सेम वही चलेंगे जैसे हमने फर्स्ट में चलाए थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सेम वही पैर चलेंगे और हाथों के जो स्टेप्स हैं वो कुछ इस तरीके से रहेंगे। मैं आगे की तरफ से अपने हाथों को, दोनों हाथों को आगे की तरफ से ले जाके पहले लेफ्ट की तरफ रखूंगी। इस तरीके से लेफ्ट वाला हाथ लेफ्ट की तरफ और राइट वाला हाथ एल्बो की तरफ। इस तरीके से सेम राइट वाला हाथ राइट वाले शोल्डर की तरफ और लेफ्ट वाला हाथ एल्बो की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जो हमारी थर्ड स्टेप है वो कुछ इस तरीके से है। हमारे पैर वही चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और जो हमारे हाथों के स्टेप्स रहेंगे कुछ इस तरीके से रहेंगे। हमको एक राउंड लेना है तो हम उसके लिए अपने दोनों हाथों को पहले राइट की तरफ ले जाएंगे इस तरीके से और हल्का सा झुक जाएंगे और दोनों हाथों को घुमाते हुए इस तरीके से शोल्डर पे रख देंगे अपने दोनों हाथों को। सेम हम दूसरी साइड से करेंगे, अपने दोनों हाथों को लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे और घुमाते हुए शोल्डर पे रख देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। फ्रेंड, जो हमारी फोर्थ स्टेप है वो कुछ इस तरीके से है। हमारे पैर सेम वही चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5,
सिक्स सेवन एट। और जो हमारे हाथों के स्टेप्स हैं वो कुछ इस तरीके से रहेंगे। हमें पहले लेफ्ट की तरफ घूम के करना है, वन टू थ्री फोर, फिर राइट की तरफ फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। पहले हम राइट की तरफ घूमेंगे, तो पहले ऊपर की तरफ करेंगे, देन नीचे की तरफ, राइट साइड में भी सेम, ऊपर फिर नीचे की तरफ। तो ये कुछ इस तरीके से है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ये हमारी फिफ्थ स्टेप है, वो कुछ इस तरीके से है, पैर हमारे सेम वही चलेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। और जो हमारे हाथों के स्टेप्स हैं वो कुछ इस तरीके से रहेंगे, हम अपने लेफ्ट वाले हाथ को इस तरीके से रखेंगे एल्बो पे राइट वाले हाथ की, और जो राइट वाला हाथ है वो इस तरीके से स्ट्रेट रखेंगे। और पहले हम लेफ्ट की तरफ से कर रहे हैं, तो हमारा जो राइट वाला हाथ है वो लेफ्ट की तरफ इस तरीके से झुक जाएगा, और हम इस तरीके से अपना फेस भी राइट की तरफ ही करेंगे, वन टू थ्री फोर, फोर में ये हाथ इस तरीके से एल का शेप ले लेगा। फिर जब हम अपोजिट साइड से करेंगे तो हमारा जो राइट वाला हाथ है वो एल्बो पे आ जाएगा इस तरीके से, और जो लेफ्ट वाला हाथ है वो इस तरीके से स्ट्रेट हो जाएगा। सेम हम रिपीट करेंगे, अब हम राइट की तरफ अपना फेस करेंगे, वन टू थ्री फोर, सेम वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। फ्रेंड, जो हमारी सिक्स स्टेप है वो कुछ इस तरीके से है, हमें इस तरीके से एल बनाना है अपने हाथ का, मतलब डाइट वाला जो हाथ है वो एल की पोजीशन में रहेगा इस तरीके से, और जो हथेली है वो सामने की तरफ रहेगी, और जो लेफ्ट वाला हाथ है वो कोनी पे रहेगा इस तरीके से राइट वाले हाथ की, और हम वन वन इस तरीके से उसे खोलेंगे, वन, और राइट की तरफ से ही मेरा राइट वाला हाथ मैंने पहले जैसे स्ट्रेट किया हुआ है तो मैं राइट की तरफ से ही राउंड लूंगी कुछ इस तरीके से, वन, और जब घूमूंगी तो मेरा हाथ इस तरीके से पलट जाएगा और जो हथेली है वो मेरी तरफ हो जाएगी, और फिर मैं जब राउंड लेके कंप्लीट करूंगी तो वो बंद कर दूंगी इस तरीके से। तो मैं बताती हूँ ये किस तरीके से रहेगा, यहां से हमने स्टार्ट किया, यहां से वन राउंड टू, सेम हम लेफ्ट वाले साइड से करेंगे, लेफ्ट वाले हाथ को इस तरीके से स्ट्रेट करेंगे और जो राइट वाला हाथ है उसे कोनी पे रखेंगे, वन टू, वन टू, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, पैर वन टू थ्री फोर वही चलने वाले हैं इसमें भी, जैसे हम बाकी स्टेप्स में चलाते आए हैं। तो एक बार देखते हैं, यहां पे थे वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। फ्रेंड, मैं आपको सारी स्टेप्स एक बार वन बाय वन करके म्यूजिक के साथ भी बता देती हूँ ये किस तरीके से रहेंगी, तो चलिए देखते हैं। Thank you.
अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।